Okay, the next topic. विच टूडे वी विल स्टडी इज़ पैरासिटिक अडाप्टे ऑफ फाइलम प्लेटी हलमीन्स ये जो टॉपिक है बेटा ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा जो पेपर होता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है ठीक है और हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी पैरासिटिक अडाप्टेशन है जिसकी वजह से फ्लैट वर्म्स बहुत ईजीली जो है वो ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में रहते हैं तो जो एडाप्टशंस है वो ये हैं कि बॉडीज़ आर देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द डाइजेस्टिव इंजाइम ऑफ होस्ट इनकी जो बॉडी होती है वो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो थिकटिकल से बनी हुई है, है और वो वैक्सी ले हमारी बॉडी के एंजाइम्स होते हैं या एच सी एल होता है या पैप्सिन होता है वो इनको डायजेस्ट नहीं कर पाता वरना पैप्सिन और इंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के ऊपर रिएक्ट करता है तो है तो यह प्रोटीन की बॉडी इनकी लेकिन चूंकि इनकी बॉडी के सराउंडिंग में पूरी बॉडी के जो है वो आउटसाइड इनकी थिक क्यूटिकल या वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से ये उस वैक्सी लेयर की वजह से वो एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते और वो इजीली हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारे ब्लड को सक करते हैं देयर हेड कंटेंस हुक्स एंड सकर्स ये भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके जो बॉडी के बॉडी में हुक्स और सकर्स होते हैं जिसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ये हमारे ऑर्गन्स हमारे या एनिमल्स के ऑर्गन्स के साथ अटैच होते हैं और बहुत प्रॉपर्ली ब्लड को सक करते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं और ज़्यादातर ये बच्चों में होते हैं और उनके ब्लड को सक करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ बहुत इफेक्ट करती है इनका एलिमेंट्री बहुत रिड्यूज होता है ये पहले भी बता चुकी क्योंकि इन्हें एलिमेंट्री कनाल की जरूरत नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द फूड एंड एज दे आर डिपेंड अपॉन द ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड दैट इज ब्लड दैट्स वाई दे डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्री सो दैट इज वेरी रिड्यूज एंड बिकॉज अपन On the, or they absorb the digested food of host. इनके जो न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी रिड्यूज़ होते हैं बिकॉज इनकी बहुत ही पैसिव मोड ऑफ़ लाइफ होती है इनको कहीं जाना नहीं है इनको कहीं मूव नहीं करना है इनको कहीं इधर से उधर जो है वो फूड को की दू, को ढूंढना नहीं है तो इसीलिए इनके न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स बहुत रिड्यूस होते हैं इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये होस्ट की बॉडी में हुक्स के ज़रिए अटैच हो जाए और सकर्स के थ्रू ब्लड को सक करें द नेक्स्ट इनका जो पैरासिटिक अडोप्टेसन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेल well डिवेल्ड इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना वेल well होता है कि अगर ये खुद मर जाए तो ये इतनी ज़्यादा तादाद में अंडे देते हैं कि वो अंडे जो होते हैं ना वो जल्दी जल्दी डिवेलप होते हैं और वो फिर होस्ट की बॉडी में डिवेलप होकर और उन्हीं की बॉडी से अटैच होकर उनके ब्लड पर सक करते हैं देयर फर्टिलिटी रेट इज़ सो हाई टू कोप दान्सिस ऑफ डेंजर फ्राम द डिफेंसिव ऑफ होस्ट यानी होस्ट ऑबियसली जब उनकी बॉडी हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है इनकी मौजूदगी की वजह से तो वो कोई दवा लेते हैं हैं या तो जाहिर सी बात है कि उनको ख़त्म होने का उनकी जो जो क्या कहते हैं जनरेशन के ख़त्म होने का ख़तरा होता है तो इनका फर्टिलिटी रेट इतना हाई होता है और इतने हाई नंबर ऑफ हाई क्वांटिटी में ये अपने एग प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है ना वो ये ख़त्म ना हो जाए होस्ट की बॉडी से तो दैट्स वायर देयर फर्टिलिटी रेट इज़ सो हाई दीज आर द पैरासिटिक अडाप्टेशन ऑफ़ फाइलम प्लेटी हलमीनस इनको अच्छे से आप पढ़िए इनको समझिए और इन्हें याद कीजिए ताकि ये आपके एग्जाम्स में काम आए थैंक यू